नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं मेल यूरेथ्रा डायलेटर कैसा होता है और इसका हम यूज कब और कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं जब किसी भी मेल पेशेंट को पेशाब करने में दिक्कत होती है और उसका पेशाब रुक रुक के या नहीं आता, तो उस केस में क्या होता है, प्रोस्टेट उसका बढ़ जाता है। प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो उसमें हम फॉलिज लगाते हैं। फॉलिज अगर नहीं जाता है कोई भी, तो हम उस केस में यूरेथ्रा को हम डायलेट करते हैं। ये मेनली एक सेट में 12 पीस आता है। इसमें देखिए दो चीज है, एक तो ऊपर में इंडिकेट हुआ है एक नंबर और नीचे चार, तो चार जो हो गया ये एमएम हो गया, ऊपर एक नंबर ये नंबरिंग शो कर रहा है, ये एमएम शो कर रहा है। एमएम मतलब इसका मोटाई को शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम इससे चालू करते हैं और इसी से हम डायलेट करते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर से स्टार्ट किए, उसके बाद दो नंबर से डायलेट करते हैं। दो नंबर से डायलेट करेंगे, इसका देखिए जैसे ही हम दो नंबर लिए थे इसका डायमीटर भी बढ़ गया, 5 mm हो गया, ये मोटाई भी बढ़ गया। उसके बाद तीन नंबर से करेंगे, उसके बाद चार नंबर से करेंगे, उसके बाद पाँच नंबर से करेंगे डायलेट, उसके बाद छः नंबर से हम डायलेट करेंगे, उसके बाद हम 7 नंबर से डायलेट करेंगे, उसके बाद हम 8 नंबर से डायलेट करेंगे। इसी तरह हम डायलेट करते करते 12 नंबर तक जाएंगे। अगर मान ली अगर हमको 12 नंबर तक नहीं जाना है, अगर मर्ज मेरा अगर 8-9 नंबर या 10 नंबर तक ही डायलेट किए अगर फॉलिज लग गया, तो फिर हमको डायलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों।